निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज द्वारा मानवता का दिव्य संदेश देने के लिए चंडीगढ़ की धरा पर प्रथम बार दिनांक 4 सितंबर 2022 को मेला ग्राउंड सेक्टर 34 ए चंडीगढ़ में आगमन होने जा रहा है। यह जानकारी चंडीगढ़ जोन के जोनल इंचार्ज आदरणीय के कश्यप ने दी। मेला ग्राउंड में संत निरंकारी मिशन के सेवा दल एवं साध संगत के सदस्य श्रद्धा और उत्साह के साथ अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। इस संत समागम में चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला और पंजाब के अतिरिक्त हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा आसपास के क्षेत्रों से काफी अधिक संख्या में श्रद्धालु एवं भक्तजन पहुंचे। संत समागम की इस सूचना से सभी संतों में अति उत्साह देखने को मिल रहा है। जोनल इंचार्ज ने जानकारी देते हुए बताया कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का यही संदेश रहा है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने के उपरांत हर जगह निरंकार ही नजर आता है। वास्तव में सत्य गुणों का विकास ही तब होता है जब मानव अपने मूल प्रभु परमात्मा की पहचान कर लेता है। फिर दुनियावी जिम्मेदारियों को हम सहज में निभा जाते हैं। फिर प्यार, विनम्रता, सहनशीलता, एकता और सभी को एक सृष्टि से देखना तथा मर्यादा में रहना जैसे दिव्य गुणों का विकास मानव में होने लगता है। गुरु वचनों को कर्म में ढालकर उनके संदेशों को आगे पहुंचाने के लिए विभिन्न स्थानों पर संत समागमों का आयोजन हो रहा है, जिसमें मानवता को मजबूती प्रदान करने के लिए संदेश दिए जा रहे हैं। दोस्तों, स्वागत है अर्थप्रकाश टीवी में। मैं मनीष कुमार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 34 एक्टर के ग्राउंड पर, जहाँ पर कल सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर जी यहाँ पर पधारे हैं। संत समागम यहाँ पर हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सारे श्रद्धालु यहाँ पर लगे हुए हैं सेवा करने के लिए। या तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कोई मिट्टी उठा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर कुछ लोग। मनीष साहब जी, की कहना चाहूँगे? ये बहुत ही सौभाग्य का अवसर है भी हमें इस बार सतगुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जब से उन्होंने ये गुरुगद्दी संभाली है, पहली बार यहाँ चंडीगढ़ में उनका आगमन हो रहा है। ये हमारे सारे निरंकारी समाज के लिए, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य और खुशी का अवसर है। हम सब उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत को लेकर बात करी जाए तो किस तरह से तैयारियाँ चल रही है, कितने श्रद्धालु यहाँ पर जो है मतलब की सफाई करने में लगे हुए हैं? हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ सेवा पे लगे हुए हैं। इस ग्राउंड की दशा अगर आप इससे पहले देखते तो आपको पता लगता भी क्या थी। ये महापुरुषों ने दिन रात, बहनों ने, भाइयों ने दिन रात करके यहाँ बच्चों ने सेवा की है और ये इतना अपना मैदान बनाया भी, ये देखने के काबिल बन गया है। एक सवाल हो रहा है कि जो 3-4 दिन पहले मतलब कि पता चला था कि आप लोगों को भी सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो एकदम से प्रशासन के मंजूरियाँ लेनी या सारे काम एकदम से कैसे हमने पॉसिबल कैसे रही है? ये सतगुरु की कृपा ही है, उनका प्रताप है। जहाँ भी किसी अफसर के पास गए हैं उन्होंने इतना प्यार, इतना सत्कार, इतना मान दिया उनके नाम पे। प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया हमें, हर ऑफिसर ने हमारे साथ खड़े होकर ये काम करवाया हमारा, और उन्होंने साथ के साथ परमिशन। माता जी की आशीर्वाद है, यहाँ के जो हमारे अधिकारी हैं उनका पूरा सहयोग है, उन्होंने बहुत मेहनत की और अफसरों ने हमारा सहयोग दिया भी, हमें हाथों हाथ सारी परमिशनें मिलती रही और ये इतना सुंदर जो दृश्य बना है ये देखने के काबिल बना है। सर, एक सवाल और है कि यहाँ पे हरियाणा, हिमाचल, पंजाब से लोग आएंगे, मतलब महापुरुष जो हैं आएंगे, तो लगता है आपको कि इस ग्राउंड के अंदर पूरे कवर हो जाएंगे? ये बहुत अच्छा खुला स्थान है हमारे लिए। एक संडे है, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। हर एक बंदे ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, पुलिस क्या, कॉरपोरेशन क्या, एडमिनिस्ट्रेशन क्या, हर एक ने सहयोग किया और यहाँ हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। यहाँ पूरा अरेंजमेंट हमारे मिशन की तरफ से भी है, हमारे अपने श्रद्धालु सारे जो मिशन के वॉलंटियर हैं वो भी सेवा कर रहे हैं और सरकार भी हमारा सहयोग कर रही है। पहले तो सारी संगतों को धन अंकार, अर्थ प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल वालों का। आज कल यहाँ पे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज संत निरंकारी मिशन के सतगुरु, उनकी हजूरी में एक संत समागम होने जा रहा है, जिसमें के हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, पढ़िया अनपढ़िया, पेंडू, शहरी, हर तरफ का, हर वर्ग का बंदा यहाँ पे आशीर्वाद लेगा। सबकी जोड़ियाँ भरी जाएंगी सतगुरु माता जी ऐसा आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे हर तबके का, संसार के हर वर्ग का, हर संस्कृति का बंदा यहाँ पे अवेलेबल होगा। लास्ट दे सर, तुम की मैसेज देना चाहोगे? ये भी इनके प्रवचन सुनो, इस निराकार को जानो और अपना आत्मा का उद्धार करो। सतगुरु के साथ जुड़ने से आपको जो सुख मिल सकते हैं वो सारे यहीं पे हैं। सर, तुसी की कहना चाहोगे? यहाँ पे जो अभी तैयारियाँ चल रही हैं,
बहुत दूर दूर से महापुरुष संत महापुरुष आए हैं, जैसे ये महापुरुष हम पिंजौर से सेवा करने के लिए आए हैं, तो इनको जो दुनियावी सुख के साथ आत्मिक सुख मिला है, ये एक मैसेज है, संदेश है सतगुरु माता जी इस धरती पे आके यहाँ पे सभी चंडीगढ़ वासियों, शहर वासियों, ट्राइब सिटी वासियों को ये एक संदेश दे रहे हैं कि जहाँ मानवता की बात होती है वहाँ मानवता यहाँ देखने को मिलेगी। सभी जरूर आए शहर वासी, ट्राइब सिटी, जिसके पास ये मैसेज है, एक बार आके देखें कि निरंकारी मिशन के पास क्या है और वो क्या क्या संदेश देते हैं, उनका उनका क्या फलसफा है, वो एक बार अडॉप्ट करने की कोशिश तो करें, देखें तो सही है। यही एक मैसेज है। शहर क्वेश्चन हो रहा है कि जितनी आपने मेहनत करी है कि आपको दो तीन दिन में पॉसिबिलिटीज कैसे रही आपकी, आपने पूरा जवाब दिया नहीं। बड़ा आनंद महसूस किया सभी ने, छोटे छोटे बच्चे क्या, बहनें क्या, सब ने आनंद महसूस किया सेवा करके। यहाँ ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य का पल है हर एक के लिए, तो उसी खुशी को हासिल कर रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन पूरा साथ दे रहा है, पूरा साथ, सभी ने साथ दिया है, हम सबका धन्यवाद करते हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे कोई कॉरपोरेशन के हों या एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हों, सबका हमें बहुत सहयोग मिला, दिल से धन्यवाद करते हैं सभी का। साथ में राजनीतिक पार्टियों ने भी हमारा सहयोग किया, उनका भी धन्यवाद। थैंक यू। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।